उधर सरकार मजबूती की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या को और सुरक्षा के लिहाज से कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर भी योजनाएं चल रही हैं। और अब एक बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया कि अयोध्या में एनएसजी हब बनेगा। इस लिहाज से भी संवेदनशील स्थिति को देखते हुए ये बड़ा फैसला, यानी यहाँ दिल्ली से टीमें भेजी जाए, उससे अच्छा है कि एक हब वहां पर भी एनएसजी का जो है वो बना दिया जाए। ये फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है। और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र जी। बनाया जा रहा है वो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार अयोध्या और राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से अलर्ट्स आ रहे थे आतंकी खतरे को ध्यान में रखते हुए, इस बात को लेकर के एनएसजी का हब वहां पर बनाया जा रहा है, जहां पर एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो मौजूद रहेंगे। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये एक इंटीग्रेटेड हब होगा, जहां पर एनएसजी के कमांडोज को वहां पर रखा जाएगा, जो 24/7 वहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में इस तरीके से लगातार देश विदेश से राम भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और दर्शन करने के लिए वहां पर भीड़ काफी हो रही है। खतरे को अंदाजा लगाते हुए जो थ्रेट असेसमेंट केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से और खुफिया एजेंसियों की तरफ से किया गया, उसके आधार पर यह तय किया गया कि एक एनएसजी का हब अयोध्या में होगा और वहां पर एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो तैनात होंगे। हालांकि सुरक्षा की अगर बात करें राम मंदिर की, तो वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो तैनात रहे, जिसमें 200 कमांडो हैं वो पहले से ही वहां पर मौजूद हैं और इस 200 कमांडोज को एनएसजी के कमांडो ने पहले ही ट्रेन करके वहां पर भेजा हुआ है। तो किसी भी तरीके के सुरक्षा में चूक ना हो, इस वजह से इस तरीके का बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहां पर बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी, एक इंटीग्रेटेड हब होगा जो कि नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तर भारत लखनऊ के आसपास जो महत्वपूर्ण जगहें हैं वहां अगर किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधि होती है या फिर बंधक बनाने की कोशिश किसी भी तरीके से आतंकी करते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए एनएसजी की टीमें वहां पर मौजूद रहेंगी, जिससे कि सुरक्षा में कोई खतरा ना हो। अर्पिता, खतरा ना हो तैयारियां इसीलिए की गई हैं एनएसजी हब बनाने की, लेकिन आपको बता दें कि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से एनएसजी हब बनाने को लेकर निशाना साधा गया है देखिए। एनएसजी का जो हब बनाने का फैसला अयोध्या जी में किया गया है, ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हम सब लोग ये पूछना चाहते हैं कि जम्मू में कटरा में जो आज तक कभी वहां कोई आतंकी घटना नहीं हुई, कितने निर्दोष श्रद्धालु जो है इसमें मारे, शहीद हुए, मारे गए, घायल हुए, सरकार पूरी तरह से आतंकवाद को रोकने में सरहदों पर नाकाम है। कह रहे थे कि 370 आ जाएगा तो देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोट जो है बदल जाएंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो जो हमारी नाकामी है भारत की सरकार की, नरेंद्र मोदी की, देश की सरहद को, उसकी हिफाजत को, भारत के नागरिकों को जो सुरक्षा की भावना उनमें होनी चाहिए, उसमें पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी का रिजीम नाकामयाब हुआ है। समर श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। समर्थ, एनएसजी का हब बनना, आपकी सिक्योरिटी ही पुख्ता होगी, इसमें राजनीति की क्या कहीं गुंजाइश है? राजीव, बिल्कुल भी इसमें राजनीति की गुंजाइश नहीं है, चाहे आपका अयोध्या हो चाहे वाराणसी हो, क्योंकि वहां जिस तरह से टूरिस्ट आते हैं, मतलब केवल यूपी के ही लोग नहीं आते, बल्कि आप अगर देखें मंदिर बनने के बाद साउथ के लोग आते हैं, एमपी के लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न, और शायद वहां के लोकल पुलिस के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो मंदिर के अराउंड सिक्योरिटी देखें या पूरे अयोध्या का मूवमेंट ट्रैक करें। आप देखिए, जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो पूरे जिले भर की पुलिस, आसपास के जिलों की पुलिस होती है, वो भी आती है। तो ऐसे में ये जो पहल सरकार की तरफ से की गई है, शायद ये जरूरी कदम है। एनएसजी कैंप लग जाना, मतलब समझिए 200 ट्रेंड ऑलरेडी वहां पर ब्लैक कमांडोज मौजूद है, और अगर पूरा कैंप लग जाता है तो पूरी सिक्योरिटी जो है वो एनएसजी के हाथों में आ जाएगी, क्योंकि आतंकी घटनाएं जो है अयोध्या में पहले भी हुई है, बनारस में पहले हुई है, तो वैसी चीज कुछ ना हो, क्योंकि ऐसे अलर्ट्स खुफिया एजेंसी के पास लगातार आते रहे। लेकिन इस पूरे मामला को लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है और ये कह रहा है कि हम इसका तो वेलकम करते हैं कि आप एनएसजी कमांडोज लगा रहे हैं, लेकिन सरहदों का क्या, सरहदें कब सुरक्षित होंगी? कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।